हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू VPICU ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेल। आई एम योर फिजिक्स टीचर कुलदीप सर। टुडे आई विल टीच यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ही बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में आपको इसके और जो सेल्स प्रूफ थे उनको करा दिया गया था, तो इस चैप्टर का ये लास्ट प्रूफ है। कौन सा बेटा लास्ट प्रूफ? दो वैद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा उनके बीच बल। ठीक है बेटा, कौन सा है प्रूफ आपका? दो वैद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा उनके बीच बल निकालना है। ठीक है, यानी स्थितिज वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है और फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। बेटा दो चीजें हमको इस प्रूफ में निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले एक फिगर ड्रा करेंगे, दो वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। मैंने देखो एक वैद्युत द्विध्रुव ये ले लिया बेटा, दूसरा वैद्युत द्विध्रुव ये ले लिया। कैसे वैद्युत द्विध्रुव लिया? देखो इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसमें प्लस और माइनस दोनों दिए होते हैं, यानी इनका जो परिमाण होता है वो समान होता है, लेकिन इनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज, इसी प्रकार इधर माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज। इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा इसको P1 वेक्टर कंसीडर करेंगे, इधर का जो होगा उसको P2 वेक्टर कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस साइड के लिए हम लोग जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने लिया E1 वेक्टर लिया, और इधर हमने क्या ले लिया? E2 वेक्टर मान लिया। दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग स्मॉल r कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया? स्मॉल r हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखते हैं, हमने क्या किया फिगर में? दो वैद्युत द्विध्रुव ले लिया जिनके आघूर्ण क्रमशः दिए गए हैं, एक का P1 वेक्टर है, दूसरे का क्या है? P2 वेक्टर है। आपको जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये अच्छी स्थिति में दी गई हैं, अच्छी स्थिति में दी गई हैं। इस कंडीशन में अगर इनके अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालेंगे तो पहला आएगा E1 इज इक्वल टू 1/4π0 2P1 वेक्टर बाई R³। अगर आपने यहाँ पे वेक्टर लगाया तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा A2 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4π0 2P2 वेक्टर बाई R³। आपने इसका प्रूफ किया था ना वैद्युत क्षेत्र के लिए, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको ये प्रूफ कराए गए थे। आपको फिगर में दिख रहा है कि अच्छी स्थिति में, स्पेशली अच्छी स्थिति में ही है। अगर निरक्षी स्थिति में होता तो यहाँ पे क्या होता? P/R³ होता, 2P/R³ ना होता, P/R³ होता। ठीक है बेटा, तो यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करते हैं? आघूर्ण P1 वेक्टर वाले वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र E2 में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यहां पे आघूर्ण P1 वेक्टर लिया गया और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिया गया? E2 वेक्टर। क्यों लिया गया? देखो P1 है और इस डायरेक्शन में देखो E1 वेक्टर दिया गया। ये एक फॉर्मूला होता है, E=P.E होता है। ठीक है, U=P.E होता है। तो यहाँ पे आघूर्ण P1 है, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E2 है, तो U=हो जाएगा -P1 वेक्टर डॉट E2 वेक्टर हो जाएगा। अगर इसी प्रकार यहाँ पे आघूर्ण हम लोग P2 कर दें, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पे E1 कर दें, तो इस कंडीशन में इसकी जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो आएगी U=-P2 वेक्टर डॉट E1 वेक्टर हो जाएगा। ठीक, अब अगर यहां से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो हमको ये मिलेगा कि यहाँ पे ये भी स्थितिज ऊर्जा है और ये भी क्या है बेटा? स्थितिज ऊर्जा है। तो जब दोनों स्थितिज ऊर्जा है, तो अगर हम लोग समीकरण 1 व 2 से बात करें तो दोनों को आपस में हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये यू के ही बराबर है। तो यहां से हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से U=, लिख सकते हैं -P1 वेक्टर डॉट E2 वेक्टर = -P2 वेक्टर डॉट E1 वेक्टर। इतना कर सकते हैं। अब यहां से आप क्या करें, चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें, अगर इस आप इसमें भी E2 वेक्टर की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, यहां पे E1 वेक्टर की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, तो किसी एक में आप रखेंगे तो यही मिलेगा। मान लो आप यहां पे रख रहे हैं
तो जब आप यहां पे मान लो रख रहे हैं A2 वेक्टर की वैल्यू रख रहे हैं, तो A2 वेक्टर की ये वैल्यू आप यहां से उठा के यहां पे पुट अप करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी U इज इक्वल टू -1/4πε0 टू P1 वेक्टर P2 वेक्टर बाई R3। ठीक है, U इज इक्वल टू -1/4πε0 टू P1 वेक्टर P2 वेक्टर बाई R3। तो ये क्या था बाप बेटा, दो वैद्युत ध्रुवों की पारस्परिक वैद्युत एसी ऊर्जा थी। तो ये आपकी निकल आई है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। फिर से एक बार देखते हैं इसमें क्या करेंगे बेटा, हमको मानना पड़ेगा, माना दो वैद्युत ध्रुव, ठीक है, कौन से P1 वेक्टर तथा P2 वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है, जिन पे चार्ज दिए गए हैं आपके, एक पे प्लस माइनस दोनों दिए गए, जिनके बीच की दूरी हम लोग क्या मान लेंगे, स्मॉल r मान लेंगे। इनकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं क्रमशः E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर हैं। इस कंडीशन में अगर इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालेंगे तो जाएगा E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 टू P1 वेक्टर बाई R3। इसी प्रकार अगर E2 वेक्टर बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 टू P2 वेक्टर बाई R3। तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर आघूर्ण P1 वेक्टर वाले वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र E2 में वैद्युत एसी ऊर्जा निकालोगे आराम से आ जाएगा, इसी प्रकार P2 के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा। फिर दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देना है और E1 या E2 किसी एक की वैल्यू पुट अप कर देना है, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, यानी U इज इक्वल टू -1/4πε0 टू P1 वेक्टर P2 वेक्टर बाई R3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां से हमको निकालना है दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच पारस्परिक बल निकालेंगे, दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच पारस्परिक बल निकालेंगे। तो आपको बल निकालना है, बल निकालने के लिए आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। देखो बेटा, एक फॉर्मूला होता है आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था, होता है F इज इक्वल टू -du/dr। ये बल निकालने के लिए पारस्परिक बल, क्योंकि हमको इसमें दो चीजें निकालनी थी बेटा, एक पहला निकालना था वैद्युत एसी ऊर्जा, दूसरा निकालना है उनके बीच में बल। तो हमने तो वैद्युत एसी ऊर्जा निकाल लिया, U इज इक्वल टू -1/4πε0 टू P1 वेक्टर P2 वेक्टर बाई R3 आ गया है। अब हमको फोर्स निकालना है, तो आइए हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे और कितनी वैल्यू आएगी आइए देखते हैं। देखो यहां से आप क्या करोगे, F इज इक्वल टू -D/dr। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे U की वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी। आपने U की वैल्यू निकाल ली है, आया था -1/4πε0 टू P1 वेक्टर P2 वेक्टर बाई R3। ये आपने वैल्यू निकाल ली थी। अब इसमें ये D/dr का मतलब है R के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। क्या करना है बेटा, R के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो इस कंडीशन में जो मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बाहर आएगा 1/4πε0 टू P1 वेक्टर P2 वेक्टर, ठीक है, D/dr, ठीक है, इंटू 1/r³ हो जाएगा। अब अगर यहां से इसी को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे बेटा, हो जाएगा 2P1 वेक्टर P2 वेक्टर बाई 4πε0। इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं D/dr r³ -3। r³ नीचे है, ऊपर हो जाएगा तो r³ -c होता है। ठीक है, ये जो साइन होता है डिफरेंशिएशन का होता है, अगर इस फॉर्म में दिया होता है तो इसमें हमने बहुत ही आसान तरीका आपको क्लास 11th में बताया था। क्या करते हैं, जो पावर दी होती है उसको मल्टीप्लाई में लाते हैं और जितनी पावर दी होती है उससे एक पावर को हम लोग कम कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट्स को फॉर्मूला तो पता नहीं है, मैथ वालों को मान लो पता है तो थोड़ा समस्या हो जाएगी। तो इसको एक टेक्निक के रूप में आपको याद रखना है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन है इस फॉर्म में दिया गया है तो आपको क्या करना है, जो पावर है उसको आगे मल्टीप्लाई में लाना है और जितनी पावर दी गई है उससे एक पावर को कम कर देना है। या ऐसे देखें तो इसका फॉर्मूला होता है D/, जैसे मान लो R के टर्म में दिया गया तो D/dr r³ इज इक्वल टू होता है nr⁻¹ होता है। ठीक है, तो हमने इसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि बायो के स्टूडेंट है, बायो के स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला नहीं पता है।
तो आपको इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, बस जितना हमने बताया उसको याद रखना है। क्या करना है बेटा, जितनी पावर दी गई है उस पावर को मल्टीप्लाई में लाना है, और जितनी पावर दी गई है उससे एक पावर को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो आपका जो यहां से मिलेगा क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू मिलेगा, देखो बेटा क्या मिलेगा, ठीक है, 2P1 वेक्टर P2 वेक्टर अपान 4π ε0। आप देखो यहां से देखिए जितनी पावर दी गई है इसका मतलब माइनस सी कहां आएगा बेटा, मल्टीप्लाई में आएगा। R की पावर माइनस सी दिया गया है, R की पावर माइनस सी दिया गया है, हमने क्या बताया एक पावर कम करना है, तो माइनस थ्री माइनस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब देखो यहां से माइनस थ्री इंटू टू का मतलब सिक्स हो जाएगा, तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस वन अपान 4π ε0, ठीक है, 6P1 वेक्टर P2 वेक्टर। अब देखो R की पावर माइनस थ्री माइनस वन है, तो माइनस थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस फोर होगा, कितना होगा, माइनस फोर होगा। माइनस फोर ऊपर है, अगर नीचे आएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R की पावर फोर। आपको ये पता है कि अगर R की पावर माइनस फोर दिया गया तो इसको हम लोग R1 अपान R की पावर फोर भी लिख सकते हैं, पिछली क्लासों में आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आओगा, ये आपका निकल आया फोर्स, ठीक है। तो फोर्स कितना निकला बेटा, फोर्स निकला F इज इक्वल टू माइनस वन अपान 4π ε0 6P1 वेक्टर P2 वेक्टर बाई R की पावर 4, ठीक है। इसके पहले आपने पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकाला, वो आया U इज इक्वल टू माइनस वन अपान 4π ε0 2P1 वेक्टर P2 वेक्टर बाई R क्यूब। तो आपको इसमें दो चीजें निकालना था, ठीक है, दो चीजें आपको निकालना था, आपने दो चीजों को निकाल लिया है। अब इसके बाद इस चैप्टर में सारे प्रूफ फिनिश हो गए हैं, तो सारे प्रूफ को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। सारे प्रूफ अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, जो भी फार्मूले हैं अगर आपने अच्छे से उनको तैयार कर लिया है, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो मैं कराता चला जाऊंगा, कोई मतलब नहीं उसका। जब तक आपको फॉर्मूले और उसका मेथड नहीं समझ में आएगा तब तक कोई मतलब नहीं। मेन तो सबसे पहले तो क्वेश्चन करने का मतलब, जैसे मान लो मैंने कोई भी क्वेश्चन दिया, ठीक है, मैंने अपने फॉर्मूले पे रख के उसको सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं लर्न है तो क्या आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा, आएगा उतनी समय आएगा, बस फॉर्मूला याद रहेगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसके बाद में आपको इसके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा।